आज की रेसिपी है एग रैमन, जो टेस्टी होने के साथ साथ इजी और हेल्दी भी है। इसके लिए पैन में थोड़ा सा तेल डालेंगे, प्याज, लहसुन, अदरक और मिर्च अपने स्वाद के हिसाब से डालेंगे। 2 मिनट तक भूनेंगे ताकि जो लहसुन का कच्चापन है वो निकल जाए। आप ब्रोथ को बनाने के लिए, मतलब जो शोरबा है उसको बनाने के लिए अपनी पसंद की कोई भी सब्जी डाल सकते हैं, बट जो धनिया के डंडल होते हैं उनका यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आप चाहें तो इसमें चिकन भी डाल सकते हैं, बट आज मैं बगैर चिकन के ही बना रही हूँ। इसे थोड़ी देर भूनेंगे ताकि सब्जियाँ थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। अब इसमें हल्दी, नमक और काली मिर्च डालेंगे, 1 मिनट तक पकाएंगे। हम लोग रिमोट एरिया में रहते हैं तो यहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं। रामेन नूडल्स, नरूतो माकी और नोरी शीट्स हमारे यहाँ नहीं मिलते हैं, बट अगर आपके यहाँ मिलते हैं तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें 2 पैकेट मैगी मसाला डालूंगी और फिर 1 लीटर पानी डालूंगी। मैं सिर्फ 2 पैकेट नूडल्स का यूज़ कर रही हूँ, इसलिए टेस्ट को बैलेंस करने के लिए 2 पैकेट मैगी मसाला मैजिक डाल रही हूँ। अगर आप नूडल्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो फिर इसकी मात्रा कम कर लेंगे। जो पानी की मात्रा है वो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे ढक्कन से ढक के उबाल आने देंगे। जब उबाल आ जाएगा तो 1-2 बार अच्छे से चला देंगे और फिर इसे ढक्कन से ढक के कम 10 मिनट तक पकने देंगे। बीच में आप चाहें तो 1 बार या 2 बार चला सकते हैं। अब सब्जियां अच्छे से पक गई हैं तो मैं इसमें 2 पैकेट नूडल्स मसाला डालूंगी और धनिया की पत्ती को डाल करके अच्छे से मिक्स कर लूंगी। 2 मिनट और इसे पका दूंगी, उसके बाद ये बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो इसे भी बिल्कुल सूप के जैसे पी सकते हैं। ये बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। मैं अगर बच्चों को कुछ अनहेल्दी दे रही हूँ खाने के लिए तो उसके साथ हमेशा कुछ हेल्दी डालती हूँ। मेरे बच्चे नाटक नहीं करते हैं, बस करेला छोड़ के सब खा लेते हैं। हमेशा गैस को बंद करने से पहले नमक चख लें। अगर आपको नमक की ज़रूरत और लगती है तो डाल करके इसे 1-2 मिनट तक और बॉईल कर लेंगे। अब हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें ब्रोथ, मतलब कि शोरबा डालेंगे। मैंने नूडल्स को बॉईल करके रखा है, नूडल्स डालेंगे। अगर आपको नूडल्स ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इतने अमाउंट में हमारे घर में 3 लोग खा लेते हैं। मैं नूडल्स नहीं खाती हूँ, इसलिए मैंने नूडल्स अपने लिए बॉईल नहीं किया है। इसमें मैं एक पोच डालूंगी, मतलब कि हाफ फ्राई डालूंगी, और एग को भी मैंने सॉफ्ट बॉईल किया हुआ है उसे डालूंगी। उसके बाद पत्ते वाली प्याज, धनिया पत्ता, भुने हुए तिल और चिली ऑयल डालेंगे। चिली ऑयल की रेसिपी मैंने बाद में डाली हुई है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आती है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।